हैं, साइड में बहुत ही अच्छा व्यूज आ रहा है। 30 किलोमीटर माउंटेन्स के ऊपर चढ़ने के बाद काफी अलग सी फीलिंग आ रही थी इसके उतनी ऊंचाई पे बाइक चलाते हुए। हेलो गाइस, तो कैसे हाल चाल है। तो फाइनली एक बार फिर स्वागत है अपनी नई वीडियो में, और इस वीडियो में हम जाने वाले हैं एक लॉन्ग टूर पर विद FZS वर्जन 4, और देखने वाले हैं कि इसका लॉन्ग टूर पर परफॉर्मेंस कैसा रहता है। काफी लोगों को जैसे डाउट है ये लॉन्ग टूर पर परफॉर्मेंस करती है या नहीं करती है, तो उनका डाउट दूर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ एक लॉन्ग टूर के लिए। तो इसमें हम टेस्ट करेंगे विद पिलियन और विदाउट पिलियन की कैसा परफॉर्मेंस रहता है इसका, और देखेंगे कि ये बाइक कैसी रेलेवेंट है या नहीं। तो इसको जैसे पहाड़ों पर राइड करते हैं तो इसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है, पहाड़ों पर चल सकते हैं कि नहीं चल सकते, तो उसका शेयर करूंगा अपना एक्सपीरियंस एक बार जाके। तो जो लोग ये बाइक लेने वाले हैं या जो ले चुके हैं तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, मैं इस रिगार्डिंग काफ़ी सारी वीडियो लाता रहता हूँ, तो जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। और इसी के साथ चलिए करते हैं शुरू। तो बैग पैक करके सुबह निकल लेते हैं नॉर्मल ज़रूरत का सामान रखकर, क्योंकि काफ़ी दिनों से डिले हो रहा था और अब मुझे डिले नहीं करना था। पंच पैक प्लान कभी बन नहीं पाता है, बट सबसे ज़रूरी चीज़ें जो सफ़र में वो पेट्रोल है। वो पेट्रोल पंप पे मैं सुबह पहुंच जाता हूँ क्योंकि इसके बिना तो नहीं जा सकते, और मैं कराता हूँ अपने टैंक को पूरा फुल क्योंकि 11 लीटर इसमें बलता है, तो वो मैं पूरा इसमें डलवाता हूँ और उसके बाद निकल जाते हैं। तो सबसे पहले हमें बॉर्डर मिलता है UK का, तो जिसमें एंट्री करने के बाद जब मैं चलते था तो सबसे पहली जो जगह पड़ती है वो हरिद्वार है। ये गंगा का घाट है पूरा, जो हरिद्वार के किनारे बसा है, और शिवरात्रि और ऐसा जो टाइम होता है शिव जी का, तो वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है यहाँ पे। तो ये पूरा देखते हुए है अपन निकल जाते हैं सीधा देहरादून वाले रोड पर। तो देहरादून जैसे ही एंट्री करते हैं तो ये पूरा जो अपने साइड में पूरा जंगल पड़ता है, जंगल और बीच में रोड बहुत ही प्यारा लगता है। तो ये बहुत ही अच्छा व्यू है। तो इसको क्रॉस करने के बाद हम पहुंचते हैं तो मसूरी रोड ही आ जाता है, ये मसूरी स्टार्ट हो जाता है और यहाँ से माउंटेन्स वाला रास्ता स्टार्ट हो जाता है। तो पर माउंटेन वाले रास्ते पे मुझे चलने का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था, मैंने कभी भी बाइक नहीं चलाई थी, बट मुझे अच्छा भी लग रहा था लेकिन डर भी लग रहा था क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पूरा फोकस करना पड़ता है, मार्क देखना पड़ता है इधर उधर, क्योंकि सिंगल रोड होता है और मोड़ बहुत ज़्यादा होते हैं और आप सीधे चढ़ाई चढ़ रहे होते हो। तो यहाँ पे गियर का भी सबसे ज़्यादा आपको वो रखना पड़ता है कि कब गियर निकालना है, कब स्लो करना है, और फिर वो पावर एकदम देनी पड़ती है बाइक को। तो बाइक पावर ले या ना ले वो उस पर डिपेंड करता है। और अभी मैं जो चल रहा था वो मैं पिलियन के साथ में चल रहा था, तो बाइक पे थोड़ा प्रेशर था पर फिर भी ठीक से चल रही थी। मैंने 3rd और 2nd गियर पर ही चलाया है क्योंकि 4th और 5th गियर पर बाइक बिल्कुल पावर दे ही नहीं रही थी। तो अच्छे रोड थे, रोडों में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट थोड़ा ऊँचाई पर थे तो इसलिए अच्छा से चल रही थी बाइक, फिर भी उतनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और बात पूरा रास्ता हम देखने के बाद पूरा माउंटेन्स हो रहे हैं साइड में, बहुत ही अच्छा व्यूज़ आ रहा है। 30 किलोमीटर माउंटेन्स के ऊपर चढ़ने के बाद काफ़ी अलग सी फीलिंग आ रही थी इसके उतनी ऊंचाई पे बाइक चलाते हुए, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ रहे थे साइड में। आप देखोगे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, इधर छोटा सा रोड था तो बहुत ही। तो ये पूरा ट्रैवल करने के बाद फाइनली फिर पहुँच जाते हैं मसूरी की मेन जगह पे जिसको माल रोड बोलते हैं। यहाँ पे ये पूरा मार्केट है और ये हिल स्टेशन पे हर जगह होता है माल रोड करके। तो यहाँ पे फिर अपना मैं बाइक को पार करता हूँ और उसके बाद फिर जो साइड में देखेंगे ये पूरा मार्केट यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। इधर एक साइड पूरा मार्केट और इधर साइड पूरा हिल्स एरिया है। तो ये पूरा दिन हम स्पेंड करने के बाद यहाँ पे फिर नाइट में हम चलते हैं वापस देहरादून की तरफ। और बट एक चीज़ जो ये अपना जो लाइट है वो गाड़ी का, वो लो बीम और हाई बीम उतना ज़्यादा ट्रैवलिंग के लिए इफेक्टिव नहीं है, तो आपको एडिशनल लाइट की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि जो इसका मेन फोकस है वो पूरा रोड पर नहीं रहता, ऊपर रहता, तो आप इतनी इफेक्टिवली चला नहीं सकते इसको रोड्स पे, तो एडिशनल लाइट की ज़रूरत पड़ेगी जो मैंने ऑलरेडी लगवाई हुई थी। फिर पहुँचने के बाद फिर मॉर्निंग में हम चलते हैं अपने दूसरे डेस्टिनेशन की तरफ जो आपको दिख रहा है। और यहाँ पे जो चारों तरफ पहाड़ थे और अच्छे रोड और प्यारा सा गांव था साइड में, वो बहुत ही मतलब एकदम अलग सा अच्छा फीलिंग, क्योंकि डेंसिटी बहुत कम थी उस गांव की और बहुत ही मौसम अच्छा हो रहा था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था वहाँ पर जाते हुए। और फिर हम स्टार्ट कर देते हैं माउंटेन्स पर, स्टार्ट हो जाता है ऋषिकेश की तरफ जाते हैं। तो
तो यहाँ पे ऊंचाई थी काफ़ी, बाइक को सेकंड या थर्ड गियर पे ही चला रहे थे। तो उसके बाद मेरे को एक बहुत ही अच्छी जगह मिलती है, ये पूरा नदी थी जो पूरा ऊपर तक चल रही थी जब ऋषिकेश में बाढ़ आई थी। तो यहाँ पे कुछ देर रुक के और देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे साइड में मिट्टी काफ़ी सारी कटी हुई थी उस बाढ़ के टाइम पे। और फिर इसमें एंट्री करते आते हैं हम ऋषिकेश में, और चाय तो पीनी बनती है क्योंकि अगर पहाड़ों पर जाके। फिर हम स्टे के लिए एक होटल लेते हैं जो अपने ऋषिकेश सिटी से ऑलमोस्ट 9 किलोमीटर आगे था। आप केदारनाथ की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे ये हिल्स एरिया में था। तो यहाँ पे अपना पूरा सामान रखने के बाद हम निकल जाते हैं। हम गंगा नदी का जो एक बीच टाइप का है जिसको गोवा बीच बोलते हैं, मिनी गोवा बीच बोलते हैं यहाँ पे ऋषिकेश में। पर ये जो रोड है वो पूरा उल्टा सीधा था तो इस पर जाता है। बट एक चीज़ है, मैंने बिना TCS ऑन किए ही ये बाइक चलाई। TCS को मैंने ऑफ रखा था क्योंकि आप नहीं चला सकते, बाइक बंद हो जाएगी। तो वो मेन चीज़ आप ध्यान रखें। ये पूरा अपना गोवा बीच, मिनी गोवा बीच है ऋषिकेश का जिसको बोलते हैं। यहाँ पे राफ्टिंग वगैरह भी होते हैं। और यही कंप्लीट करने के बाद फिर हम निकल जाते हैं अपना दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ जो काफ़ी ऊंचाई पे था। तो मैंने टेस्ट करने के लिए ऊंचाई पे पिलियन कितना अच्छा परफॉर्म करता, रोड भी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था क्योंकि यहाँ पूरा टूटा पड़ा है रोड जो उस टाइम बाढ़ आई थी। तो यहाँ पूरा पहाड़ों से गिर गिर के मिट्टी भरी थी, तो उसको साफ़ किया था इन लोगों ने। तो इसके साथ पहुँच जाने के बाद ऊपर पहुँच जाते काफ़ी हाइट पे। ये जो जगह देख रहे हैं नीचे, तो मैं इसी से ऊपर चढ़ा के लाया हूँ बाइक और आप देख सकते हो ऊंचाई। तो अभी मैंने क्या जितना भी इससे ट्रैवल किया है तो वो मैं अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा कि कैसा रहा मेरा अब तक का एक्सपीरियंस इसके साथ में। तो बट मेरा पहला एक्सपीरियंस था माउंटेंस पर इसको चढ़ाने का, जो बिल्कुल मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि इसको कैसे चलाना है। मुझे हेजिटेशन हो रही थी पहले, बट एक्चुअली क्या था, जैसे मैं ऊंचाई पे चढ़ाता था तो थर्ड गियर पे पावर की मुझे कम लगती थी क्योंकि मैं विद पिलियन था। और जैसे ही मैं बाइक का गियर निकाल के फिर चलाता था फिर मुझे स्पीड की ज़रूरत पड़ती थी तो मैं फिर गियर डालना पड़ता था। बट एक्चुअली क्या है, अभी मुझे इसमें पावर की कोई प्रॉब्लम नहीं लगी क्योंकि अभी मैंने टूटे रोड्स पर भी इसको चलाया है। तो मुझे वहाँ पावर, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था तो इस चक्कर में मुझे प्रॉब्लम आ रही थी। तो अभी क्या, अभी मैं विद पिलियन इसको टूटे रोड्स पर और ऊपर तक चढ़ा के लाया हूँ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई और मुझे तो इसे चलाते हुए और भी मज़ा आ रहा था काफ़ी सारा। तो अगर आप सोलो राइड करेंगे तो उसमें पावर की प्रॉब्लम तो बिल्कुल ही नहीं पता लगेगी आपको। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे क्या, अगर आप इसको ऊपर चढ़ाते हैं, ऐसे रास्तों पे चढ़ाते हैं, तो आपको TCS पहले ऑफ करना है। बिना TCS ऑफ करे नहीं चलाना है क्योंकि ये हो सकता है ये आपके बीच रोड में कहीं भी इसका इंजन बंद हो जाए। तो ये मेन प्रॉब्लम है क्योंकि TCS ऑफ करना ज़रूरी है। बाकी मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था। आप कमेंट करके बताओ कि आपको कैसा लगा वीडियो, और अभी क्या इसके बारे में आपको कुछ जानना है तो वो आप मेरे को बताओ।